नमस्कार, जय सवालाल। मैं हरिभाव राठौड़, पूर्व सांसद और विधायक महाराष्ट्र। जो तेलंगाना में हादसा हुआ, बंजारा समाज के हमारे 5 भाई शहीद हुए हैं और वहाँ कुछ घर जलाए दिए गए, तांडव के ऊपर हमला हुआ है, इससे पूरा देश आहत में है और हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान वाले भी, पूरा उत्तर भारत, मध्य भारत आपके साथ हैं। कुछ हमारे भाई अभी भी सीरियस हैं, उनके लिए भी हम शुभेच्छा देते हैं। और ये जो हादसा हुआ, इससे हम लोग परेशान रहे। हम कल दिन भर, रात भर हमें फोन आते रहे कि क्या हो रहा है। हमने भी पूरा जायजा लिया है, हमने वहाँ के माननीय CM से बात की, भारत सरकार के अहिर साहब, हमारे यहाँ के हमारे MP है, जो भी मंत्री है, होम मिनिस्टर, उनसे बात की है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वहाँ भी हमने भेज दिया है फैक्स। और लगातार हम, हमारे रमलू नायक जी MLC है, वो लगातार पुलिस फोर्स के साथ वहाँ रात में वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पूरी परिस्थिति कंट्रोल में है, ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। आज पूरा दिन पूरा कंट्रोल में है। संत रामराव जी बापू का भी दोपहर में फोन आया था और उन्होंने पूछा, उनका एक स्टेचू था वहाँ, उसको भी उद्ध्वस्त कर दिया गया है। हमारे पूर्व सांसद राठौड़ साहब, उनका भी हॉस्पिटल जला दिया गया है, पेट्रोल पंप जला दिए गए हैं। और ऐसे में थोड़ी जब डर सा पैदा हो, जो हो गया था, वो लोग बार बार फोन कर रहे थे कि कैसा होगा, हम बड़े इसमें हैं, हमें मदद कीजिए। और हमने तुरंत सब लोगों से बात किया, वहाँ हमारे सीताराम जी MP, उनसे बात किया, हमारे तिलावत जी, उनसे बात की, और मुख्यमंत्री से बात की। उसके बाद हम अभी आज दिन भर लगा कि पूरी परिस्थिति कंट्रोल में है। और रामराव जी महाराज ने बोला है, सब आप सभी को और खास करके तेलंगाना के हमारे उनके भक्तगणों को रामराव महाराज का यह मैसेज है कि पूरी तरह शांति बनाए रखें, डरने का कोई सवाल नहीं है, हम पूरे जगे हुए, हम पूरे आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, और हमने जो जो करना चाहिए, हमने सबके लिए सिक्योरिटी प्रदान करने की बात की है। और जिन्होंने ये कृत्य किया है, जिन्होंने हमारे लोगों को शहीद कर दिया है, उन लोगों को भी तुरंत अरेस्ट करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग हमने की है, और मिलिट्री की भी मांग की है। अगर सरकार, अगर पुलिस कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मिलिट्री को बुलाने की हमने मांग की है। रामराव जी महाराज ने यह बताया था कि यह आप शांति बनाए रखें और 2-3 दिन लगातार आप पूजा अर्चना करते रहें और वहाँ भोग भंडारा चलता रहेगा और सब जागरूक रहे, इकट्ठा रहे, अलग अलग अकेले घूमने की कोशिश न करें। और ऐसा कोई भी बात हो जाती है तो मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे आप फ़ोन कर सकते हो 9920716 1699। फिर से मैं बताता हूँ, 9920716 1699। तो आप, हम लोग आपके साथ हैं, ऐसा कोई डरने का कोई मामला नहीं है। और जो शहीद हुए हैं, उनके लिए भी हम संवेदना जताते हैं और भगवान सेवा भाई उनको चिर शांति दें। और हमारे जो हमारे भाई कुछ हॉस्पिटल में अभी दवा पानी ले रहे हैं, उनको भी जल्दी से आराम पहुँचे। इसी के साथ आप पुनश्च, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, कोई नहीं, हम पूरा देश आपके साथ है। और मंडे को 18 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश में, अपने बंजारा समाज के जो कार्यकर्ता हैं, वो निवेदन कलेक्टर को देंगे, ऑल इंडिया बंजारा संघ और हमारे राष्ट्रीय बंजारा क्रांति दल के ओर से, और हमारे और भी संगठन का कार्य कर रहे हैं, काफ़ी संगठन है हमारे देश में, ये सभी संगठन अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेके सभी एक जगह आकर
और सभी कलेक्टरों को और तहसील में तहसीलदार को निवेदन देंगे और उसमें ये मांग करेंगे कि हम तुरंत वहाँ सिक्योरिटी प्रदान की जाए और जो जो गुनहगार हैं उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए और सरकार से भी हम उनके जो मिलिट्री के लिए भी मांग कर रहे हैं और जो शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण मिला है उसके बारे में रामराव जी महाराज ने बोला है कि ये हमने बड़े प्रयास से मतलब सरकार ने जो दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक तथ्य है उस आधार पर दिया है, ऐसा नहीं है कि ऐसा। तो रामराव जी महाराज ने बोला है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस आरक्षण को कोई नहीं हाथ लगाएगा और बापू जी ने यह भी कहा है कि कोई भी कायदा हाथ में लेने की कोशिश मत करो, शांति बनाए रखो, सेवालाल महाराज आपके साथ है, हम आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। जय श्री राम। प्लीज सब्सक्राइब 3TV बंजारा चैनल।